आज हम साइलोटम के अंदर फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व साइलोटम का जो गेमिटोफाइट्स है वो किस प्रकार का है तथा गेमिटोफाइट्स के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें एंथ्रीडिया व आर्केगोनिया के नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, वैसे तो सबको पता है, मेल एंड फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन है वही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है। यानी हैप्लोइड सेल एंड हैप्लोइड सेल आपस में कॉन्टेक्ट करके डिप्लोइड सेल का निर्माण करती है, जिसमें क्रोमोसोम डिप्लोइड स्टेज के अंदर होते हैं, जिसे जायगोट के नाम से जाना जाता है। तो नर और मादा युग्मकों का संयोजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब फर्टिलाइजेशन साइलोटम में किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो आर्केगोनियम के अंदर संपन्न होती है, और जो इनके जो स्पर्म होते हैं वो सीलिएट होते हैं, कुंडलित होते हैं, जिनके लिए किसी विशेष लिक्विड या रासायनिक अनुचलन की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से वो एग तक प्रवेश करते हैं, जिसे हम निम्न डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो साइलोटम की आर्केगोनियम, इसकी चर्चा हमने कल भी की थी। आर्केगोनियम की अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो वेंट्रो होता है उसमें दो सेल पाई जाती हैं। छोटी वाली सेल को कहते हैं वेंट्र केनाल सेल, और जो बड़ी सेल होती है उसको एग सेल कहते हैं। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है उसमें जो भाग लेता है वो एग सेल भाग लेती है। इनके अलावा इसकी जो नेक वाली जो सेल है और नेक केनाल वाली जो सेल्स न्यूक्लियाई है वो नष्ट हो जाते हैं। नेक के अंदर पर लेयर 4 से 7 सेल इनके अंदर पाई जाती हैं। यह है आर्केगोनियम। इनका जो बेसल पार्ट है या जो आधारीय पार्ट हम देखें, जो वेंट्री के रूप में कार्य कर रहा है, ये शीर्ष पार्ट की अपेक्षा या नेक पार्ट की अपेक्षा मोटा होता है। जब आर्केगोनियम पूर्णपूर्ण परिपक्व हो जाती है तो उस स्थिति में इसके नेक वाला पार्ट नष्ट हो जाता है तथा इसमें जो नेक न्यूक्लियाई है वो भी नष्ट हो जाता है। इनके अलावा जो वेंट्र केनाल सेल है वेंट्र केनाल सेल ये नष्ट हो जाती है, केवल एग सेल ही उपस्थित रहती है। जब ये पार्ट नष्ट होता है तो इस कोशिकाओं द्वारा एक श्लेष्मी पदार्थ स्रावित होता है, और ये जो श्लेष्मी पदार्थ है ये एंथ्रोजोइड्स के लिए एक मार्ग या पथ के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण एंथ्रोजोइड एक
रासायनिक अनुचूलन प्रदर्शित करते हैं तथा बहुत सारे एंथ्रोजोइट वेंट्र वाले भाग तक पहुंच जाते हैं। वेंट्र में केवल एग सेल प्रेजेंट रहती है। अब बहुत सारे एंथ्रोजोइट्स इस एग सेल तक पहुंचते हैं, केवल एक एंथ्रोजोइट इस एग से फ्यूजन करता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं, और यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हो जाता है। कुछ समय पश्चात ये जाइगोट एक आवरण द्वारा या एक लेयर द्वारा आवरित हो जाता है, जिसे ओस्पोर कहते हैं। इस प्रकार एक द्विगुणित अवस्था में एक सेल या जो ओस्पोर बनता है, ये बीजाणु द्विगुणित पादप की एक प्रारंभिक अवस्था के रूप में बीजाणु उद्भिद की एक प्रारंभिक अवस्था के रूप में कार्य करता है। अर्थात यहाँ से स्पोरोफाइट प्लांट्स का जो निर्माण है, वो प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है। इस जाइगोट या ओस्पोर में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, यानी विभाजन होने से पहले ये वृद्धि करके जो वेंट्र वाला पार्ट है उसको कवर करता है। वेंट्र वाले पार्ट को ये कवर करता है, संपूर्ण भाग के अंदर फैल जाता है। इस पार्ट के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। एक है एपिबेसल और जो दूसरी है हाइपोबेसल। एपिबेसल जो सेल है, ये सूट का निर्माण करती है, तथा हाइपोबेसल सेल के द्वारा फुट का निर्माण किया जाता है। अब जो सूट एंड फुट, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम देखें। तो हाइपोबेसल जो सेल है उसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, वर्टिकल डिवीजन होने के कारण दो सेल बनती हैं। अब ये दो कोशिकाएं विभाजित होकर एक समूह का निर्माण करती हैं, और इस समूह से बेलनाकार संरचनाएं निर्मित होती हैं। इन बेलनाकार संरचनाओं पर हुकनुमा संरचनाओं का निर्माण होता है, जो गेमिटोफाइट प्लांट से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं, और ये जो हुकनुमा संरचनाएं हैं, इन हुकनुमा संरचनाओं को हिस्टोरिया कहा जाता है या चुस्कांग। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है कि जब एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसको पोषण किन पार्ट से मिलता है, तो यहाँ पर हिस्टोरिया और ये जो संरचनाएँ बनती हैं वो हाइपोबेसल के जो फुट होते हैं, इनसे इनका निर्माण होता है, और ये संपूर्ण गेमेटोफाइट्स के अंदर दंशे हुए रहते हैं।
तो इस प्रकार से हाइपोबेसल वाली सेल से फुट का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर हम एपिबेसल की बात करें, एपिबेसल से पहले हाइपोबेसल कोशिकाएं एक्टिव रहती हैं जिससे फुट का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात एपिबेसल वाली कोशिकाएं भी विभाजित होती हैं और इनसे भी फर्स्ट जो वर्टिकल डिवीजन होता है उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। इसके अंदर भी दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब ये दो कोशिकाएं बनी हैं, या तो दोनों कोशिकाएं एपिकल सेल के रूप में कार्य करती है या इनमें से कोई एक कोशिका एपिकल सेल के रूप में कार्य करती है और ये एपिकल कोशिकाएं आगे विभाजित होकर परो या सूट का निर्माण करती है। गेमिटोफाइट से जो यंग स्पोरोफाइट प्लांट्स है वो गेमिटोफाइट के विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनसे क्लिप्ट्रा या गोपक नामक संरचनाओं से क्लिप्ट्रा या गोपक नामक संरचनाओं से घिरे हुए रहते हैं। जब ये आगे विकास करते हैं तो ये गोपक या क्लिप्ट्रा को चीरते हुए बाहर निकल जाता है जिसे राइजोम वृद्धि करता है। राइजोम की चर्चा हमने पहले की थी कि यह एक तो ग्राउंड होता है और दूसरा एरियल होता है। जब एरियल रहता है तो ये वायु के अंदर पाया जाता है और इसके द्वारा फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी की जाती है। साथ में इसकी एक विशेषता थी कि ये द्विशाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। तो इस प्रकार से हाइपोबेसल सेल से प्रो का निर्माण होता है और प्रो में जो प्रमुख पार्ट है राइजोम, और राइजोम के अंदर ही प्रारंभिक अवस्था में ही इसके अंदर माइकोराजा का संक्रमण हो जाता है। और माइकोराजा का संक्रमण होना उचित है क्योंकि इसके अंदर जो रूट होती है वो नहीं पाई जाती। रूट के स्थान पर इसमें जो पाए जाते हैं वो राइजोइड्स पाए जाते हैं और राइजोइड्स जल अवशोषण करने में इतने सक्षम नहीं है, इसलिए माइकोराजा यहाँ पर जल अवशोषण की क्रिया करता है। इनके अलावा कुछ शाखाएँ एरियल सूट के रूप में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से साइलोटम के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है और एम्ब्रियो से नया साइलोटम का स्पोरोफाइट प्लांट्स बनता है। तो इस प्रकार से हमने साइलोटम के बारे में अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।